नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ, ये टॉपिक हम बंद कर चुके थे, लेकिन अभी जो 2022 लग चुकी है, जनवरी से शुरुआत हुई है कोरोना से रिलेटेड। आप यकीन मानिए, इंडिया की बात नहीं है भाई, वर्ल्ड लेवल पे सब जगह ये स्थिति है। इंडिया तो फिर भी अभी तक तो, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एक जन्म लिया, एक वायरस आया फ्रांस में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ओमिक्रॉन की बात करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल की क्या स्थिति है, इंडिया में कौन कौन से राज्यों में कितने कितने केस अभी चल रहे हैं, कौन कौन से टॉप राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस आए जा रहे हैं, और सरकार ने नए अपडेट आपको पता है जारी करने वाली है, एयरपोर्ट से रिलेटेड भी होंगे। तो आप विदेश आने से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम डिटेल से पूरी बातें करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज़ इसी तरीके के नई नई अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं साथियों फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में अब तक एक नया और एक IHU इस नाम से कोई नया ओमिक्रॉन केस से रिलेटेड नया वायरस मिला है, जो 12 केस अब तक फ्रांस में मिल चुके हैं। जी हाँ, यानी ये जो नया IHU, इसको नया नाम दिया गया है, ये नया वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन से भी 37 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अभी अब तक फ्रांस में ही है, इससे अलग देशों में ये नहीं गया है, ये अब तक अच्छी बात है। अभी तो ओमिक्रॉन को भी लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, उससे पहले एक और IHU 12 के फ्रांस में मिल चुके हैं, तो ये भी एक अपने लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब कोविड प्लस ओमिक्रॉन की बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल पे विश्व की हम बात करें कि भारत वर्ल्ड में ऐसे कौन से देश हैं जहां पे 50 लाख केस वाले सिर्फ वही हैं जिनमें 50 लाख से ऊपर के एक्टिव केस हैं। जी हाँ, उसमें कितनी मौत हुई, क्या स्थिति है, हम डिटेल से हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 30 करोड़ लोग अब तक पॉजिटिव हुए हैं। कितने? 30 करोड़ लोग। जी हाँ, और अब तक डेथ की बात करें तो एक WHO के आंकड़ों के अनुसार 55 लाख, यानी 55 लाख लोगों की अभी तक मौत हुई है। लेकिन आप इसको जस्ट डबल कर सकते हैं, कम से कम डबल, बाकी ज़्यादा वो एक अलग बात है। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं जो ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं 50 लाख से ऊपर वाले देश कौन से हैं जिनमें ये स्थिति आई है। जी, 50 लाख से ज़्यादा केस ये देख सकते हैं साथियों, 50 लाख से अधिक मामले वाले देश हैं UK में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा केस है इसमें, 1 करोड़, यानी क्रॉस कर गया 1.5 करोड़ के करीब है। फ्रांस में देख सकते हैं, रूस में आप देख सकते हैं, भाई संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, तुर्की में आप देख सकते हैं, जर्मनी में देख सकते हैं, स्पेन में, इटली में, ईरान में, अर्जेंटीना, कोलंबिया, रूस, मेक्सिको, पेरू, UK, जी हाँ, इंडोनेशिया, इटली और ईरान, कोलंबिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, यूक्रेन, ऐसे ही बहुत सारे देश हैं कि उनमें एक जहाँ इन महामारी से एक लाख से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। जी हाँ, अगर इंडिया में बात करें कि ओमिक्रॉन पिछले 24 घंटे में कितना जो कोरोना से रिलेटेड है, कितना तहलका मचा है, आप देखिए 7 जनवरी को 27,000 केस आते हैं, हालांकि लगभग 20 दिसंबर के करीब कितने केस आ रहे थे, लगभग 7-8 हज़ार केस आ रहे थे पूरी इंडिया में। अभी बात करें 1 जनवरी को 27,000 केस आए, और अगर आप बात करें जनवरी को आए 1,16,000 केस। अब आप सोचिए ये किस तरह से बढ़ता जा रहा है भाई, 7 दिन में अगर इतना गुना हो गया तो ये जनवरी क्या करेगा फिर, आप सोचिए जनवरी में कहाँ जाएगा इंडिया के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब बोलते हैं कि चुनाव की वजह से बढ़ गया है, भाई चुनाव तो जहाँ उन राज्यों में है ही नहीं जहाँ पे वो ओमिक्रॉन बढ़ा है, 50% तो सिर्फ केरला और महाराष्ट्र लिए बैठा है, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं हुए, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बावजूद ये आंकड़े बढ़े हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन में टॉप 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें बताएंगे कि ये स्थिति है। जी हाँ, महाराष्ट्र में, जी हाँ, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, उसके बाद अगर ओमिक्रॉन से रिलेटेड बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस हैं भाई, लगभग 800 केस ओमिक्रॉन के अकेले महाराष्ट्र में। दिल्ली की बात करें तो लगभग 464 केस अभी दिल्ली में हैं ओमिक्रॉन के। जी, राजस्थान के बात करें तो भाई राजस्थान में भी 236 केस ओमिक्रॉन के पाए गए। केरल की बात करें तो 734 केस अभी तक हैं। कर्नाटक की बात करें तो 325 केस अभी तक कोरोना के ओमिक्रॉन के पाए गए। जी हाँ, ये ओमिक्रॉन के केस हैं जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है। 24 घंटे में पूरी इंडिया में लगभग 400 केस आए हैं, उनमें से कुल केस हैं जो 2600-2700 केस अब तक पूरी इंडिया में हैं, उनमें से भी 335 लोग ठीक हो गए, घर चले गए, बाकी एडमिट उनको करके रखा है। हालांकि लोग बोलते हैं इनसे मरते नहीं है लोग, इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मानते हैं जिनको कोविड वैक्सीन लगा है उनके इतना इफेक्ट नहीं करता, मौत नहीं हो रही है, लेकिन WHO का आज का लेटेस्ट न्यूज़ है भाई 7 जनवरी 8 जनवरी का, कि इससे लोग भी मर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ रहा है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। जी,
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम बात कर लेते हैं भाई, अगर आप विदेश में किसी भी देश में बैठे हैं, आपको सबको पता है आने वाली टिकटें इंडिया की बहुत ज़्यादा सस्ती हैं इधर से जाने की बजाय। तो आपको लगता है कि यार चलो टाइम पड़ा इंडिया चले जाएं, भाई वापस जाने के सपने ले लेंगे फिर आप। अब ये आंकड़े जिस तरीके से 5 दिन में 27,000 से 1,16,000 हो गए, तो आप अगर जनवरी पूरी गिन लेते हो तो कितने केस होंगे? इसको रोकेंगे कौन? कौन रोकेगा इसको? कैसे रुकेंगे आंकड़े, कैसे रुकेंगे? लॉकडाउन तो लगेगा नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, दिमाग से निकाल दीजिए। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा तो इसका मतलब खुद का बचाव खुद के पास है। वैक्सीन लगवाइए, मास्क रखना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। ये सब तो तभी संभव होगा ना जब हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। अब ठीक है, इंडिया से लोग अभी जा रहे हैं, जब तक कोई अभी फ्लाइटें सबका सिस्टम ठीक है, चालू है, अभी तक कोई बंद का कोई चक्कर है नहीं। और मुझे नहीं लगता फ्लाइटें, अगर केस ज्यादा भयंकर तरीके से जो पहले रूप लिया था आपने देखा अप्रैल मई जून में 2021 की अगर बात करें, अगर वो रूप आ जाता तो भैया सीधी सी बात है फ्लाइटें बंद होंगी, क्योंकि इंडिया तो नहीं करेगा, वो कर देंगे जिनको खतरा है। तो गल्फ की देशों की बात करें तो गल्फ को तो खुद की स्थिति खराब है। यूएई की देखो, कहाँ 200 केस आ रहे थे, कल की डेट में देखो 2700 केस आए हैं। ना सा छोटा देश खुद अपने आप को नहीं रोक पा रहा है ओमिक्रॉन से या फिर नए वेरिएंट से, तो फिर वो नहीं जाएगा ना। अभी तो चलो वहाँ पे एक्सपो 2020 चल रहा है, सबसे पहले दुबई की बात करें क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग दुबई जाने वाले हैं, तो अभी तो उनकी मजबूरी है। जनवरी निकलेगा, जैसे जैसे हो सकता है जिस केस में ज़्यादा केस आए तो वो हाथ जोड़ लेंगे, भाई इससे बचे, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर आगे कर लेंगे एक्सपो 2020, समझ रहे हैं बात को? तो या फिर स्टिक ऐसा नियम ज़्यादा बना दे कि विजिट वाला बंद, बहुत सारे ऐसे हैं जो पीछे हुए हैं वही दोबारा होंगे, उसमें कोई नया कुछ है नहीं। तो सावधानी बरतनी है, आप उम्मीद करें कि आप इस ये जीरो लेवल पे वापस जब तक नहीं होता आप जहाँ हैं वहीं भाई बैठे रहें। अब इंडिया के लोग हैं, आपको लगता है तो तुरंत फ्लाइट पकड़ के आप जहाँ हैं उस देश में चले जाएं। अब फ्लाइटें भी फिर महंगी हो जाएंगी, कौन सा पता नहीं क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई। अब मैं मेरे मुँह से बोल दूँ फ्लाइट बंद हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे भाई फ्लाइट बंद? लेकिन हाँ, जो पहले की स्थिति थी पिछली बार फरवरी जो अप्रैल मई जून जुलाई में, वो स्थिति दोबारा हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में आंकड़े बढ़ने लग गए। तो बस यही अपडेट देना था साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।